कुपोषण उन्मूलन की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल गोद अभियान के रोचक परिणाम। 13 मई 2017 को एक गरीब परिवार में बीबी योगिता का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अति कुपोषित थी। दिनांक 3 सितंबर 2019 को उत्तराखंड को कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से गोद अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुमारी योगिता को गोद लिया गया। 2 वर्ष 3 माह की योगिता उस समय मात्र 8 किलो 600 ग्राम की थी। वह अति कमजोर थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर योगिता के घर पर जाकर उसके माता पिता को बच्ची के सही पोषण देखभाल की जानकारी देने के साथ योगिता के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। सितंबर 2019 में सीएम साहब ने मेरी बेटी को गोद लिया था, तब इसका वजन 8 किलो 600 ग्राम था और आज इसका वजन 10 किलो 800 ग्राम है, क्योंकि उनकी तरफ से जो मुझे सामान मिलता है, ऊर्जा पाउडर, पीनट बटर, मैं इसको खिलाती हूँ, जिससे इसका वजन बढ़ रहा है। और आंगनवाड़ी की तरफ से भी मुझे हर महीने सामान मिलता है, जिसको मैं इसे खिलाती हूँ। इसलिए मैं सीएम साहब का और विभाग का धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल से अब योगिता का वजन बढ़कर 10 किलो 800 ग्राम हो गया है। वह अब पहले से कहीं अधिक चुस्त दिखाई देती है। योगिता के माता पिता बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 3 सितंबर 2019 से शुरू हुए गोद अभियान कार्यक्रम से उत्तराखंड के 9,177 कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों में से 1988 बच्चे कुपोषण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं तथा 385 बच्चों के ग्रेड में सुधार हुआ है। कुपोषण मुक्ति की दिशा में तेजी से बढ़ता उत्तराखंड।